हेलो, मैं हूँ एक्टर विभोर शर्मा और मेरी प्यारी दादी का पोता तो वीडियो में बोलता है बड़े प्यार से दादूड़ी। तो दोस्तों, मेरी दादी के 4-5 वीडियो ऐसे हैं जिसमें उन्होंने मेरी और मेरी माँ की जो बेइज्जती करी है, लेकिन वो बेइज्जती में ना मज़ा बड़ा आया है। तो मुझे वो 4-5 वीडियो मैं अभी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। एक दो तो शायद मैं पहले भी डाल चुका हूँ, लेकिन मैं जब भी देखता हूँ ना मुझे बड़ी हंसी आती है। आई एम श्योर आप लोग को भी वो वीडियो देख के बहुत मज़ा आएगा। और जो मेरी दादी का गुस्सा है ना, एक्चुअली गुस्सा नहीं, वो प्यार है जो वो मुझसे और मेरी माँ से करती हैं। इसीलिए तो मेरी माँ के पास रहती हैं, कहीं नहीं जाती। तो आप लोग इन्जॉय करें वो वीडियो, देखिए। थैंक यू दादी। हाँ भैया, दादी, बचपन में जब मैं पैदा हुआ था तो आपको खूब सारे पैसे मिले होंगे मेरी मुंह दिखाई के, तो वो पैसे कहाँ हैं? मुंह दिखाई के तू हाँ जिंदगी में पहली दफा ही हमारे यहाँ पैदा हुआ था क्या? तो आप बच्चे ही नहीं हुए तो हो। आपके यहाँ तो पहली बार हुआ था ना? मेरे यहाँ पहली बार हुआ, मेरे पैर मेरे दो बच्चे हो तो चुके थे। अरे, तो मेरे को उससे मतलब नहीं अरे है, मतलब कैसे पैसे नहीं है, चाहिए मेरे हिस्से के। हाँ बेकार यूं यूं करके आंख फाड़ फाड़ कर देख रहा था तो सारे लोगों में, समझा? कोई क्या बोलना मेरे को कुछ नहीं बोल रहा, मुझे ये बोलना कि तू पागल हो चुका है। दादी, आप बहुत तेज थे इसलिए आप मेरी माँ बिल्कुल सीधी लेकर आए ना शादी अरे करके। तेरी माँ, अरे वो सीधी है, जब तक घर वाले सब सीधे, वो तो मैं थी जो मैंने निभा लिया 22 सालों से। जी नहीं, वो तो मेरी देखा माँ थी, वो जाएगा, तो मेरी माँ थी, समय बताएगा। अपनी बहू के साथ निभा लेना। मैं निभा तो रहा हूँ। हाँ कि ये निभाना नहीं होता क्या है? दादी, आपको पता है क्या पता है? मेरी वजह से आपकी आपको लोग जानते हैं। ओहो, इतना बड़ा कब से हो गया रे तू? तो हाँ तो क्या, तो हूँ मैं। मेरी मेरी वजह से तेरे फॉलोवर्स बने? नहीं, तुझे जानता कौन है अच्छा, कुत्ते? आपकी वजह से मेरे फॉलोअर्स बढ़े हैं? अरे नहीं, अजमा के देख ले, सब जानते हैं मेरे को। कोई नहीं जानता। एक तो आप चल एक रहा बात बता, है। दिखा। अरे बहुत है। हाँ दिखा ना मुझे। हाँ अरे बहुत है, दिखा दूँ। जा जा खा, भगले यहाँ से है दादी, आपने बोला था कि चाचा की बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, तो ना। मैंने चाचा से पूछा तो चाचा ने मेरे को ये बोला कि मैं वो आपके ऊपर मानहानि का केस करेंगे। अरे मानहानि का क्या, किसी का केस कर दे मैं खींच के कोर्ट ले जाऊंगी, समझा? आपने तू झूठ जानता क्या है मुझे, मैं चाचा, उसकी माँ हूँ, अरे मेरे को भी तो समझा? बोलने दो। चाचा बोल रहे थे वो बहुत शरीफ हैं। अरे वो शरीफ के झंडे गाड़ता है रे गोलो। अरे गोलू कौन है ये? तो दादी, एक तो आप मुझे ऐसे मत देखो, मेरी पैर ही फटने लगती है। और कैसे देखूं रे कमीने, कमीने, गाली, पोते को गाली। अरे तो पोते को नहीं दूंगी, पड़ोसियों को दूंगी रे। नहीं अम्मा, गाली देना पाप है। और बाकी सब माफ है, नहीं, गाली देना पाप है। मैं तो ऐसी हूँ, नहीं तो फिर मैं भी दूं, मत खींचे, मैं भी दूं फिर दे बाहर। ना। अरे आपको अरे तो थोड़ी, हिम्मत अरे दे, आपको नहीं नहीं, दे अरे आपको ना, नहीं, बाहर किसी को दूं क्या? देख रही है? सुना नहीं है क्या मैंने? मैं सुना भाई, दादूड़ी, दादी क्या है रे? गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाओ कि आप मेरी माँ से कितना प्यार करते हो। मैं गीता पे हाथ रखूं ना किसी पे हाथ रखूं, और जिंदगी भर ऐसे तंग करूंगी, और तुम्हें हिम्मत है तो रोक ले। अम्मा इतना मतलब सबके सामने बोल रहे हो? सबके सामने मुझे जन नहीं मारा किसी का, तेरा और ना तेरे घर वालों का, समझा? मैं केस कर दूंगा, कर दूंगा, और कर दे अभी, इसी अब भी करूंगा। वक्त कर, तेरे में हिम्मत है तो। अरे अरे मेरे साया करे, कर दूंगा ना, रुको तो। दादी क्या क्या है, कर रहे हो? हैं बैठी हूँ दिख नहीं रहा तेरे को? बैठी हूँ तेरे को दिख नहीं रहा? दादी, आप ना मेरी सबके सामने बेइज्जती मत किया करो। काय की बेइज्जती? हैं इज्जत ही कब थी तेरी? मैं हूं तो मेरे साथ तेरी इज्जत है, दादी, मेरी बहुत समझा? इज्जत है, बाहर जाके देखो। बाहर जाके क्या देखूं, मैं हूं तो तेरी इज्जत है। ऐसा नहीं हाँ होता। ऐसा ही होना चाहिए, और हाँ चुप जी, करके अंदर जाके बैठ जा, तो अंदर ही समझा? तो हूँ, अंदर ही तो हूँ, घर में ही अंदर तो हूँ। बिल्कुल,